इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये मैंने लिया है बीफ का गोश्त है, डेढ़ डेढ़ पाव गोश्त है। तो ये जाएगा कुकर में, तो इसमें जाएगा ये लहसुन के जमे हैं, ये अदरक है, ये एक टमाटर है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये इसमें गया, इसको मैं 25 मिनट के लिए स्टीम पे रखूँगी। तो ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, वो मैं बॉईल करके डालूँगी। इसमें जाएंगे ये दो प्याज हैं मैंने मीडियम साइज़ के, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दाल गोश्त के दो तीन तरीकों से बनती है, मैं आज को आपको इजी जो जल्दी जल्दी बन जाए और मसाला भून के नहीं बना रही, इस तरह बना रही हूँ। तो इसमें जाएगा नमक, ये हल्दी, मिर्चें, सूखा धनिया, क्रश चिल्ली और गरम मसाला पाउडर है। और ये इसमें जाएगा, गरम मसाला पाउडर नहीं डालना, बाकी बाकी की सारी चीज़ें डाल दूंगी इसमें, बिस्मिल्लाह। इसमें जाएगा बिस्मिल्लाह रहमान पानी, इसको मैंने 20 मिनट रखना है, तो 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। ये कुकर गोश्त मेरा गल गया, लेकिन इसमें पानी अभी ज़्यादा सारा है, तो मैं क्या करूँगी कि इस पानी को निकाल के घी डाल के तो इसको भून लूँगी, ठीक है, और फिर यही पानी दोबारा डाल के और डाल के दाल डालूँगी और 10 मिनट के लिए उसको रख लूँगी। तो ये फिर मैं झटपट जो है ना दाल इस तरह रेडी हो जाएगी। ये मैं इसका पानी निकालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह। ये मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। हो गया, अब इसमें डालने लगे पानी, ये जो निकाला था। ये जो दाल मैंने सोख करके रखी थी वो इसमें डालने लगी, बिस्मिल्लाह। अब 10 मिनट के बाद ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी।